नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 550 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वाराणसी को पूर्वी भारत के विकास द्वार के तौर पर विकसित किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश 130 किलोमीटर लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन का संयुक्त रूप से निर्माण करेंगे। ये भारत में सिलीगुड़ी और बांग्लादेश में पार्वतीपुर को जोड़ेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार पर कथित रूप से कर चोरी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात कर रहे हैं। और एशिया कप क्रिकेट में वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला आज हांगकांग से। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार वाराणसी का विकास सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, ताकि इससे पूर्वी भारत के विकास के द्वार खुल सकें। श्री मोदी ने कहा, बनारस पूर्वी भारत के गेटवे के तौर पर विकसित करने का भरसक प्रयास हो रहा, और इसलिए सरकार की प्राथमिकता 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप ट्रांसपोर्ट हो, मेडिकल सुविधाएं हो, शिक्षा सुविधाएं हो, सभी का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को पूर्वी भारत के चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है। वाराणसी की अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज श्री मोदी ने 557 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्य शहर के लिए बाहरी मार्गों के साथ ही नई सड़कों के निर्माण की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने बताया, वाराणसी शहर के भीतर और वाराणसी को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, उनको विस्तार दिया जा रहा है। वाराणसी हनमना यानी नेशनल हाईवे नंबर 7, वाराणसी सुल्तानपुर मार्ग, वाराणसी गोरखपुर सेक्शन, वाराणसी हंडिया सड़क संपर्क भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी सुंदर हो गया है और अब आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन अवसर पर सबकी नजरें काशी की ओर होंगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रवासी भारतीयों का अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचय कराएं। दुनिया भर में बसे भारतीयों का कुंभ यहां काशी में लगने वाला है, और इसके लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन आपका सहयोग भी आवश्यक होगा। एक एक काशीवासी को इसके लिए आगे आना होगा। काशी की गली गली, नुक्कड़ चौराहे पर बनारस का रस, बनारस का रंग, बनारस की सांस्कृतिक विरासत नजर आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी की जनता से मुखातिब हुए और पिछले 4.5 सालों में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा दिया। जिस एकीकृत विद्युत विकास योजना का प्रधानमंत्री ने आज शुभारंभ किया, उसके चलते पुरानी काशी के 60,000 से ज्यादा निवासियों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। इस स्कीम के तहत खम्भों पर लटकने वाले तारों को अंडरग्राउंड कर दिया गया है, जिससे बिजली की चोरी और वोल्टेज अनियमितता से राहत मिलेगी। आज ही अटल इंक्यूबेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया, जो प्रदेश में अपने तरह का इकलौता सेंटर है। इस सेंटर में स्टार्टअप और स्टैंडअप को सहयोग दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने हनी मिशन के तहत 500 मधुमक्खी के बक्सों और कुम्हारों तथा कलाकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का वितरण भी किया। प्रधानमंत्री ने बीएचयू में बनने वाले वैदिक विज्ञान केंद्र और क्षेत्रीय नेत्र केंद्र की आधारशिला भी रखी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना के निर्माण का आज संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इस परियोजना से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच इस वर्ष अप्रैल में विदेश सचिव विजय गोखले की ढाका यात्रा के दौरान पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण का यह समझौता हुआ था। 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भारत में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को बांग्लादेश के दिनाजपुर में पार्वतीपुर से जोड़ेगी। परियोजना ढाई वर्ष में पूरी होगी और इस पर 346 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। बांग्लादेश मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर भारत से वस्तुओं की आवाजाही के लिए भारत को चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के इस्तेमाल की अनुमति देने के बारे में एक मसौदा समझौते को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव शफीकुल आलम ने ढाका में कहा कि नेपाल और भूटान को भी उनकी इच्छा पर इस समझौते में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि समझौता 5 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। गर्भ के 4वें महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे अरे, सब सब्जी हमको दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? चटनी है ना माजी, उसी से खा लेंगे। नहीं, भूल गई, डॉक्टर नी ने क्या कहा था? गर्भ के दौरान गर्भवती माँ को समय से सही और पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जैसे आयरन और विटामिन युक्त पोषण, पौष्टिकृत दूध और आयोडीन युक्त नमक, हरी साग सब्जी, साथ ही कैल्शियम की निर्धारित खुराक। अब अगर खाना ठीक से खाओगी नहीं तो ये जो जान पल रही है तुम्हारे अंदर, उसको सही पोषण कैसे मिलेगा? और सही पोषण नहीं मिलेगा तो होगा ना कुपोषण का शिकार, यानी दिमाग और शरीर से कुपोषित। सही पोषण, देश रोशन। पोषण अभियान के तहत महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ करोड़ों रुपए की कर चोरी और हवाला लेनदेन के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस वर्ष के शुरू में आयकर विभाग द्वारा एक आरोप पत्र दाखिल करने के आधार पर उनके खिलाफ बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में यह मामला दायर किया गया है। आयकर विभाग ने शिवकुमार और उसके सहयोगी एसके शर्मा पर 3 अन्य अभियुक्तों की मदद के लिए बिना हिसाब किताब के बहुत बड़ी रकम हवाला के माध्यम से भेजने का आरोप लगाया है। रक्षा खरीद परिषद ने रक्षा सेनाओं के लिए 9,100 करोड़ रुपए से अधिक के उपकरण खरीदने की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में आकाश मिसाइल प्रणाली की 2 रेजिमेंटों के लिए इस खरीद की मंजूरी दी गई। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि खरीदी जाने वाली ये मिसाइल पहले शामिल की गई आकाश मिसाइलों से बेहतर होंगी। ये मिसाइल प्रणाली ऐसा आधुनिक उपकरण होगी जो महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करेगी। उच्चतम न्यायालय ने आज फ्रांस और भारत के बीच राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर रोक लगाने से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और केएम जोसेफ की खंडपीठ ने 10 अक्टूबर तक मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने पीठ को बताया कि वह इस मामले में कुछ और दस्तावेज पेश करना चाहते हैं और इसीलिए मामले की सुनवाई स्थगित की जाए। दिल्ली की एक अदालत ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को आरोपियों के रूप में आज तलब किया। श्री अंशु प्रकाश पर 19 फरवरी की रात को श्री केजरीवाल के सरकारी आवास में एक बैठक में कथित रूप से हमला किया गया था। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से स्वच्छ रसोई ईंधन मिलने से गरीबों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। अब तक 29,80,000 से अधिक लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना के तहत उपलब्ध कराए गए कनेक्शन की संख्या में महाराष्ट्र
सातवें नंबर पर है। पेश है हमारी मुंबई संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक बहुत अच्छी और सफल पहल है। 2016 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत अब तक 5 करोड़ से भी अधिक गरीब परिवारों की रसोई में गैस सिलेंडर लगवा दिया गया है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की रंजना वड़वी का कहना है, रोज हमको खेतों में जाना पड़ता है, धुए में बहुत तकलीफ होती थी, वो सब आंख भी लाल हो जाते थे। उज्ज्वला योजना जब मिली है ना, तो हम औरतों को सुख मिल गया है। महाराष्ट्र के ही पालघर जिले की रहवासी बैजू शांताराम तांडेल भी उज्ज्वला योजना द्वारा प्राप्त किए गए गैस सिलेंडर को काफी लाभदायी मानती हैं। हम लोग को काम पे जाने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, अभी हम लोग को माँ बाप है और चूल्हे पे खाना बनाए को बहुत तकलीफ होती थी, अभी गैस मिल गया है, हम लोग को अच्छा हो गया है। अभी हम लोग आराम के साथ काम पे जा सकते और हम लोग के बच्चे भी आराम से साथ पढ़ सके। धुआं लगने से हम लोग बहुत तकलीफ मिलता था। उज्ज्वला योजना के करीब 85% उपभोक्ता अपने सिलेंडर में जरूरत अनुसार गैस भरवाकर सुरक्षित रूप से उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं और इसी तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गांव के गरीब घरों में चूल्हे के धुएं की जगह साफ हवा और बेहतर जिंदगी का अवसर प्रदान कर रही है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत न्याय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आज स्वच्छता की शपथ दिलाई। श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार के लिए स्वच्छता एक प्रतिबद्धता और मिशन है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि करीब 6,50,000 स्कूलों ने स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया। वे आज नई दिल्ली में वर्ष 2017-18 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये पुरस्कार ये सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं कि स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहे। गुजरात विधानसभा का 2 दिन का सत्र आज शुरू हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर नागालैंड विधानसभा का भी 2 दिन का सत्र आज शुरू हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का 3 सदस्यीय शिष्टमंडल 2 दिन के राजस्थान दौरे पर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री रावत के साथ गए निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा भी साथ गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे आंटी, आपके घर में हरा नीला है क्या? हरा नीला? हेलो अरोड़ा जी, आपके घर में हरा नीला है क्या? ओके हुंदा है। हेलो जी, वो सब जो मुझे रेडियो पर सुन रहे हैं, आपके घर हरा नीला है क्या? नहीं है? यानी आप अपने घर का कचरा अलग अलग करके नहीं देते। हरा डस्टबिन गीला कचरा जैसे कि फलों के छिलके, अंडे के छिलके आदि के लिए, और नीला डस्टबिन सूखे कचरे जैसे कि थर्मोकोल, प्लास्टिक, पेपर आदि के लिए। हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी में दीजिए अपनी भागीदारी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अपने शहर को आगे बढ़ाएं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन प्योंगयांग में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री मून उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु अप्रसार की रुकी हुई वार्ता फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर कोरिया की केंद्रीय समाचार एजेंसी ने कहा है कि यह शिखर बैठक दोनों कोरिया के संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण अवसर होगी। दुबई में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला आज हांगकांग से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 4:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में सड़क पटरी पर दुकान लगाने वालों के भारतीय राष्ट्रीय पथ विक्रेता संघ के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में पथ विक्रेता अधिनियम के क्रियान्वयन और इससे सड़कों पर दुकान लगाने वालों को पहुंचने वाले लाभ जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 550 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी को पूर्वी भारत के विकास द्वार के तौर पर विकसित किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश 130 किलोमीटर लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन का संयुक्त रूप से निर्माण करेंगे। ये भारत में सिलीगुड़ी और बांग्लादेश में पार्वतीपुर को जोड़ेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार पर कथित रूप से कर चोरी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात कर रहे हैं और एशिया कप क्रिकेट में वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला आज हांगकांग से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।